इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू, संविधान बचेगा तभी तो भारत देश बचेगा। लड़ना होगा इस देश के संविधान को बचाने के लिए। कौन है वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं? सच बोलने वाले पत्रकारों का साथ दो, सहाफियों का साथ दो, अपने बच्चों को पत्रकार सहाफी बनाओ ताकि हक बात के जरिए अवाम में बेदारी ला सके। वैसे तो जमीर फरोश सहाफियों के भरमार है, पर सलाम है उन सहाफियों को जिन्होंने गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए गोदी मीडिया का हिस्सा बनने से इनकार किया। खासकर रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम, अविसार शर्मा, जिन्होंने इख्तदार पजीर हुकूमत की गुलामी को ठोकर मारकर सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद फरमाई। देश यकीनन मुश्किल दौर से गुजर रहा है और खासकर इस दौर का मीडिया इम्तिहान से गुजर रहा है। शायद ही कभी मीडिया को इतना बेखौफ हमने इससे पहले देखा होगा। पर यह मुख्यधारा का मीडिया नहीं है बल्कि सोशल मीडिया, जो आज बिल्कुल बेखौफ बेलौस होकर अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। और समाज को भी इस मीडिया का साथ देना होगा, क्योंकि हमें किसी हाल में संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तभी तो भारत बचेगा। हमें सोचना होगा कि मुट्ठी भर लोग हुकूमत करते हैं और 85% बहुजन समाज, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और अकलीती समाज हमेशा से ही गरीब क्यों रहा, क्यों इन्हीं गरीबों की ही झोपड़पट्टी हुआ करती है, क्यों कच्चे मकान सिर्फ अकलियती और दिगर पिछड़े समाज के ही रहते हैं, बस्तियां क्यों साफ नहीं रखी जाती। आखिर क्या बात है कि सिर्फ कुछ ही मुट्ठी भर लोग हुकूमत में इख्तदार पजीर रहते हैं। आला अक्सरियत बहुजन समाज के लड़के लड़कियां अफसर क्यों नहीं बनते, क्यों सहाफी आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं रहते? जब सच्चर कमेटी अकलियतों के बारे में निहायत पिछड़ा तबका कहती है तो इसे क्यों लागू नहीं किया जाता और इन तमाम पिछड़े समाजों को कुचल दिया जाता है? बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्यों सहाफी नहीं बनाया जाता? यही आज का सवाल। आखिर समाज क्यों इस तरफ बेहिस हो रहा है? इस पर भी तवज्जो देना जरूरी है। और अगर कोई अखबार या सोशल मीडिया के जरिए हक बात कहने की जुरत कर रहा है तो इसे माशरे का ताउन की जरूरत है। इत्तेहाद न्यूज के जरिए हम कुछ बोलने की कोशिश करते रहते हैं तो समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इसी तरह के मीडिया का ताउन करे जो भारत के संविधान को बचाने की तहरीक में अपना भी कुछ हद तक किरदार निभा रहे हो। अब बेहिसी से बाहर आ जाओ। बेलगाम और अतराफ में जितने भी सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों के जरिए बेदारी लाई जा रही है और सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, इन्हें सराहा जाए। अब तो एक दो नए हजारों चैनल बनाने की जरूरत है और अवाम की जिम्मेदारी है कि तमाम सोशल मीडिया में हक बात करने वालों को सराया जाए, इनका ताउन किया जाए। यकीनन डराया धमकाया जाएगा पर कब तक डर के साए तले जिंदगी जीते रहोगे? अगर इसी तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों से डरे होते तो हमें आजादी मयसर नहीं होती। अगर इसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर डर गए होते तो यह संविधान ना मिलता जो हमें एक दूसरे का हक दिलाता है। अपने अंदर गैरत पैदा करो, बेगैरत होकर जीने से बेहतर है गैरतमंदी से मर जाना। टीपू सुल्तान शहीद को कई मर्तबा अंग्रेजों की जानिब से मुतालबा पेश किया गया और आखिरी वक्त तक यही कहा गया कि आओ और समझौता कर लो, जान बच जाएगी। लेकिन उस शेर ने तारीख के अल्फाज दोहराए कि गीदड़ के 7 साल जिंदगी से शेर के 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के दिल से डर निकालना पड़ेगा। जब अंग्रेजों के खौफ को दिलों से निकाला गया तो मुजाहिद आजादियों को जानों की कुर्बानी देना भी मुश्किल नहीं रहा। अपने बच्चों को इंतजामिया, अदलिया, सहाफत, जर्नलिस्ट, पुलिस, फौज में दाखिल करो और इस सोच के साथ दाखिल करो कि मुल्क के संविधान आईने हिंद को बचाना है। मुट्ठी भर इख्तदार पजीर हुक्मरान चाहते हैं कि यही अकलियती पिछड़ा तबका सड़कों पर फ्रूट सब्जी बेचे, गरीबों में जिंदगी गुजारे, फटे कपड़ों में नंगे पांव अपना गुजर बसर करे, इजलासों में दरी बिछाए, टायर पंचर निकाले, होटलों में वेटर कुली हमाल चाहिए। इन्हें नहीं चाहिए तो बेखौफ बोलने वाला पत्रकार नहीं चाहिए। इन्हें समाज माशरे में बेदारी लाने वाले नौजवान कायद नहीं चाहिए, तभी तो इन्हें जेलों में बंद किया जाता है। पत्रकार शंभू सिंह ने दिल्ली के किसान आंदोलन में कहा कि इज्जत की मुख्तसर जिंदगी लानत की तवील जिंदगी से बेहतर है। जो लोग डर के सहारे अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं तो ये बेवकूफी है, क्योंकि डर के साये में सिर्फ गुलाम ही पनपते हैं। और यही हमें कर्नाटक के शेर टीपू ने सबक सिखाए। यकीनन तकलीफें आएंगी, सियासी दबाव में आकर धमकाने की भी कोशिश की जा सकती है, बेवजह पुलिस थानों में बुलाकर सहाफत को बंद करने की भी धमकी दी जा सकती है, जबकि हमें हमारे संविधान ने लिखने बोलने की आजादी दी है। हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोलते पर संविधान परस्त है, हम संविधान के बारे में बोलेंगे और संविधान के तहफ्फुज के लिए
लड़ते रहेंगे। हर हाल में संविधान को बचाने की मुमकिन कोशिश को करनी होगी, क्योंकि जब संविधान बचेगा तो तुम्हारी आने वाली नस्ल बचेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, तारीख को जिंदा रखना है तो हक बोलना पड़ेगा और सच की राह पर चलना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ है। संविधान को बदलने की बात कौन करता है? इतना जरूर है कि संविधान बचेगा तभी तो हम बचेंगे, वरना जिंदा तो रहेंगे पर गुलाम बनकर, जहनी गुलाम। अब अहम खबरों पर एक नजर। हुकूमत की नजर जिस तंजीम पर है उसे पीएफआई की जानिब से मुल्क भर में आज यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने और पीएफआई कारकुनान ने शिरकत फरमाई। कर्नाटक में भी दो जगहों पर यूनिटी मार्च यानी इत्तेहाद मार्च का एहतमाम किया गया। मुल्क की फलाह बहबूदी और मुल्क में अमन अमान इत्तेहाद का माहौल रहे, इसके लिए पॉपुलर फ्रंट की जानिब से यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया। मुल्क आज नफरत तशद्दुद की आग में झुलस रहा है। मरकजी हुकूमत दो धर्मों मजहब के दरमियान नफरत के बीच बोकर सियासी मुफाद हासिल कर रही है, लिहाजा मुल्क इत्तेहाद की बुनियाद पर ही तरक्की और अमन की राह पर चल सकता है। कर्नाटक में उल्लाल और जमखंडी में पीएफआई यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया था। सियासी सरगर्मियां जारी है तो बयानबाजी का दौर भी जारी हुआ है, वैसे किसान एहतजाज का असर भी नजर आने लगा है। पंजाब में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब तो किसान आंदोलन ने सियासी रुख इख्तियार करते हुए भाजपा के खिलाफ बंगाल चुनाव में भी अपनी बात रखने की इत्तला हासिल हुई। अगर वाकई किसान आंदोलन सियासी रुख इख्तियार करता है तो भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में किसानों को लेकर मोदी विरोधी लहर दिखाई दे रही है। खैर, कुछ अंधभक्तों को छोड़कर तमाम आवाम महंगाई से परेशान है। खैर, अगर बेलगाम चुनाव की बात कहें तो यकीनन भाजपा पर असर जरूर पड़ता है, दिखाई दे रहा है। पर कांग्रेस की जानिब से सतीश अन्ना तो भाजपा की जानिब से रमेश अन्ना ने अपनी बयानबाजी जारी रखी हुई है। रमेश जारकिहोली ने भाजपा में 5 कांग्रेस एमएलए शरीक होने वाले हैं, ऐसी खबर फैलाई तो कांग्रेस के सतीश जारकिहोली ने कहा कि वो 5 कौन है पहले बताए तो सही। ऐसे सवाल करते हुए कहा कि रमेश जारकिहोली 24 घंटे में 5 रुकन असेंबली भाजपा में शामिल की बात बार बार कह रहे हैं, जिसकी कोई दलील नहीं। रमेश जारकिहोली किस बात पर मुझे हंसी आती है, ऐसा भी कहा। सतीश जारकिहोली ने आगे कहा कि भाजपा के ही कुछ एमएलए कांग्रेस के रबते में, अगर इसमें सच्चाई है तो इनके नामों का ऐलान करे, ऐसा भी कहा। भले ही बयानबाजी हो रही हो पर अब तक बेलगाम कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम किसी भी पार्टी से तय नहीं की गई। आज बिम्स के डी ग्रुप मुलाजमीन ने डीसी बेलगाम के सामने एहतजाज करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि डी ग्रुप के मुलाजमीन को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लिहाजा इन्हें तमाम सहूलतें मुहैया कराया जाए। हमेशा महज वादे ही किए जाते हैं पर कभी वादों को पूरा नहीं किया जाता। तमाम डी ग्रुप मुलाजमीन को सरकारी सहूलतें मुहैया कराया जाए, ऐसा भी इनका कहना था। बेलगाम से कोल्हापुर या हुबली जाने वालों के लिए हमेशा टोल नाके पर कार के लिए 30 रुपये दिए जाते हैं, पर फास्टैग को निहायत ही जरूरी करार देते हुए अब जिनकी गाड़ी को फास्टैग नहीं है इनके पास से दुगना जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोल्हापुर की तरफ जाने वाले तकरीबन 1500 गाड़ियों से दुगना टोल वसूल किया गया, लिहाजा फास्टैग को जरूरी किया गया, पर कुछ लोग अभी भी फास्टैग नहीं बिठाए जिनसे दुगना जुर्माना लिया जा रहा है। और अगर बेंगलोर या बम्बई तक कोई भी बिना फास्टैग के सफर करे तो इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभी को हर हाल में फास्टैग लगाने की हिदायत नितिन गडकरी ने दी है। साबिक वजीर आला कुमार स्वामी ने येडियुरप्पा और मोदी हुकूमत को हिटलर के दौर से मुआवजना करते हुए नाजी और यहूदियों की तरह इस मुल्क में मनसूबाबंदी की जा रही है। आरएसएस को नाजी हुक्मरानों से जोड़कर इन्होंने देश की मौजूदा हालात पर तफसीलवार बयान किया। इंशाल्लाह कुमार स्वामी और दिगर इल्मी दानिश्वरों ने मोदी को हिटलर से क्यों जोड़ा, इस पर बात कल होगी। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।